राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है। राजस्थान संत शूरमा जति सती कवि जन लोगों की धरती है। राजस्थान त्याग तपस्या शूरवीर लोगों को जन्म देने की ये मायड़ भूमि है। राजस्थान की धरती का पग पग, राजस्थान की धरती का कण कण समर्पण त्याग तपस्या के लिए पूरे विश्व में माना गया। मैं एक दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके बाद में महाराणा प्रताप का एक अस्थायी एक अंतर प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। जननी 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 होए भक्ति दाता यीशु नहीं तोरी बांगली तुम ती गमा आप सभी की देशभक्त लोगों की तालियों के साथ में मैं इस रचना को प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा तैयार हो जाए, सावधान की मुद्रा में बैठ जाए एक बार। हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो सिवार कटे सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ में एक बार जुड़ जाइएगा। मायड़ था रो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे मायड़ था रो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे पुरुषों ने लिखा, कवि माधव दर्ग ने अपनी कलम से लिखा। उमे बाजो है इतिहासा में बाजो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूत गया तन पान ल जायो नहीं थारो तन पान ल जायो नहीं थारो रणधीरा बेसरदार बना ओ बेरा रे मन सो पाटिला बेरा रे मन सो पाटिला सारा पड़ जाऊन रे आगे
आप लोगों ने सुना होगा तो आपकी तालियां मेरे साथ में जुड़ जाएगी। बोझ क्यों नहीं नर नारियो अकबर जी से नारे आगे, मैंने सुना है कि रायपुर देशभक्त लोगों का शहर है। महाराणा प्रताप की इस वीर बलिदान की परंपरा को यहां पर उपस्थित सभी देशभक्त लोगों के साथ में गाना चाहता हूं। जितने भी शूरवीर लोग विराजमान हैं उन सभी के हाथ उठ जाएंगे, कायरों से मेरा कभी निवेदन होता भी नहीं। देखते हैं कितने लोग अपने मन में देश और वतन के प्रति अपना भाव रखते हैं। एक बार दोनों हाथों को उठाकर मेरे से जुड़िएगा। माजड़ था रो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा। इतनी कमजोर आवाज, आप लोग बोलेंगे तो आएंगे। देखिए महाराज जी मंच पर है, मेरा ही सौभाग्य है। महेश्वरानंद जी महाराज के समक्ष बहुत कम लोगों कलाकारों को गाने का ऐसा एक उनके जीवन का मौका होता है, क्योंकि महाराज जी बाहर कम आते हैं और हमारी व्यवस्था के कारण से हम लोगों की कभी हाजिरी नहीं होती। लेकिन आज महाराज जी को लगना चाहिए कि रायपुर की इस धरती पर हमारे पूर्वजों के बलिदान के लिए कितने लोगों का मन में ऐसा समर्पण का भाव है। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए। अरे आज देशरी सीमा पर, आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया। एक पाकिस्तानी घुसपैठा, एक बांग्लादेशी चाइना वाला घुसपैठा, भारत सीमा में घुस आया। और इन सारे लोगों का बहिष्कार करने के लिए कितने लोगों के हाथ पर उठते हैं। भारत, ताली को उठाए, रखना हाथों को उठाए। देखिए ये सामान्य बात नहीं कि आप लोग ताली बजा रहे हो, इस कार्यक्रम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। और ये कार्यक्रम अभी तो लाइव चल रहा है, बाद में लगेगा कि पूरे सारे कलाकार उपस्थित थे तो वहां के लोगों का जोश कैसे था, ये सदियों तक रिकॉर्ड भी हो रहा है। इसलिए दोनों हाथों को। भारत तेरा वीर जवाना थे, ज्ञानियों सबक सिखा दीजो, थे हो प्रताप का ही वंशज, जाने ना बात बता दी। मुट्ठियों को बंद करके बोलिए, एक बार माधव मीनू आपसे भी निवेदन है। यो कश्मीर, देखिए आपके रायपुर के जाए जन्मे मेरे बहुत परम मित्र आदरणीय राजेश जी चौहान, अभी जो आईएएस है आपके रायपुर का गौरव है, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी के अभी वो ओएसडी है, उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरे गांव के लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे देना। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आपके शहर के आदरणीय राजेश जी चौहान के लिए आप लोग तालियां बजाएं, वो दिल्ली। दोनों हाथों को उठाकर, यो कश्मीर, यो कश्मीर, यो कश्मीर, यो कश्मीर भारत को है, कुणाख दिखावे आ अठे। माजड़ थारो